हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि हम डेली तुलसी पूजा कैसे कर सकते हैं, कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा कैसे करनी है, उसका भी वीडियो मैं हमारे चैनल पर डाल दूंगी। तो चलिए सबसे पहले सामग्री देख लेते हैं। जल का लोटा और एक हमें मिट्टी के जल की कुल्हड़ में भी पानी चाहिए। दीपक, धूपबत्ती, मिश्री, कुछ फूल, फूल एकदम ऑप्शनल है, अगर नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और रोली, हल्दी, चावल। और हम रंगोली बनाएंगे इसलिए हमने रंगोली पाउडर भी लिया है। अगर आपके पास रंगोली पाउडर ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास तो ये लंबे वाला तुलसी गमला है जिसे तुलसी वृंदावन भी बोला जाता है, बट मोस्ट ऑफ दी घरों में ऐसा तुलसी का गमला होता है जैसे जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है। तो जैसा भी तुलसी का गमला हो वैसे पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे तुलसी के गमले के आसपास अच्छे से पानी से साफ कर लेंगे, पोछा लगा देंगे। अगर आपका तुलसी का गमला घर के अंदर है तो आप जो हमारा नॉर्मल सफाई के टाइम पोछा लगता है तभी आपके तुलसी के गमले के पास सफाई कर लें। तो सबसे पहले तो हम रंगोली बना रहे हैं, क्योंकि हम रंगोली बनाते हैं इसलिए हम रंगोली बना रहे हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप नहीं बनाते हो तो आप स्किप कर सकते हैं। शाम के समय की तुलसी पूजा कैसे करनी है उसका वीडियो भी मैं मेरे चैनल पर डाल दूंगी कि हम शाम के समय तुलसी पूजा कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो ये देखिए हमने रंगोली बना ली है। अब जो हमारा तुलसी का गमला है उस पर तो चारों तरफ भगवान जी की फ़ोटो लगी हुई है क्योंकि इसमें जगह है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके गमले पे नहीं लगी हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी गमलों पे फोटोज़ नहीं होती है। अगर हो तो सबसे पहले उन फोटोज़ को आप साफ करें कपड़े से, या फिर आप टिश्यू पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सारी फ़ोटोज़ को पहले कपड़े से साफ कर लेंगे, फिर हम तुलसी माता में जल चढ़ाएंगे। तो हमें गोल गोल घूम के तुलसी माता में परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना होता है, बट अगर आपके तुलसी के गमले की आप परिक्रमा नहीं ले पा रहे हैं तो आप जिस जगह पे खड़े हैं उसी जगह पे 3 बार घूम लीजिए। फिर हम तुलसी माता को हल्दी लगाएंगे, रोली या कुमकुम लगाएंगे। हल्दी तो बैक्टीरियाज को भी मारती है, तो अगर आपकी तुलसी में कोई कीड़े लग रहे हैं या फिर कोई जानवर तुलसी को खा रहा है तो आप अपनी तुलसी पे थोड़ी सी ज़्यादा हल्दी डाल सकते हैं। फिर हम फूल चढ़ा देंगे, ये एकदम ऑप्शनल है। फिर हमने ये मिट्टी के एक कुल्हड़ में जल भर के रखा है। ये जल हम सिर्फ गर्मियों में भर के रखते हैं क्योंकि हमारी तुलसी बाहर आंगन में रहती है और गर्मी की वजह से मिट्टी सूख जाती है, और इस कुल्हड़ में से, मिट्टी के कुल्हड़ में से धीरे धीरे मिट्टी में पानी जाता रहता है तो तुलसी सूखती नहीं है। तो फिर हमने दीपक दिखा दिया, धूप दिखा दी, आरती भी करेंगे तुलसी माता की। जो आरती है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई मिल जाएगी। और जो फूल हैं इन्हें हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फूल शाम तक सूख जाएंगे, फिर हम उन्हें मिट्टी में ही वो मिक्स हो जाएंगे, तो उससे हमारी जो तुलसी है वो ज़्यादा हरी भरी भी होगी। और फिर ये देखिए जितनी भी टाइल्स फोटो लगी हुई हैं हमारे तुलसी के गमले पे भगवान जी की, उनको भी हम फूल चढ़ाएंगे, रोली चावल लगाएंगे और उनकी भी आरती करेंगे। आरती करने से मेरा मतलब है उन्हें दीपक दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे, क्योंकि आरती तो हमने मंदिर में कर ही ली है पूजा। तो ये देखिए दीपक दिखा देंगे। जो दीपक है अगर आप सुबह को भी तुलसी के पास रखना चाहें तो सुबह को भी रख सकते हैं, बट हम सुबह सुबह दीपक तुलसी के पास नहीं रखते हैं, तो आप वो दीपक वापस ले जाके अपने मंदिर का दीपक यहाँ लाके तुलसी की आरती करें और फिर उस दीपक को वापस अपने मंदिर में ही रख दीजिए। तो ये देखिए अगर आपके तुलसी जो गमला है तुलसी का उस पर अगर थोड़ी सी जगह हो तो आप उस पर राधा कृष्ण जी की तस्वीर फोटो ज़रूर लगाएं, बट ऐसी तस्वीर लगाएं जो बरसात में ख़राब ना हो जाए, क्योंकि कृष्णा जी को तुलसी बहुत पसंद होती है। इसलिए अगर आपके पॉसिबल हो, अगर आपसे पॉसिबल हो तो उस पर राधा कृष्ण की तस्वीर ज़रूर लगाएं।
ये देखिए सभी भगवानों की आरती कर लेंगे, और इसी तरीके से जो हमारी तुलसी पूजा है वो संपन्न हो गई है। और जब आप तुलसी का दिया लगाते हैं, जब दिया चास के तुलसी में रखते हैं, तो कभी भी हमें तुलसी की मिट्टी यानी तुलसी के एकदम अंदर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे तुलसी माता के जो पत्ते हैं वो जल जाते हैं। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, एंड हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे ज़रूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।